नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश चंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक सुरेश चंद। यहां हम आपको टेक्नोलॉजी एंड साइंस से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत के विजयवाड़ा में रेलवे ने पहले सोलर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर लाखों रुपये की बचत की है। तो दोस्तों, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। और जो लोग नए हैं वो आइकॉन बेल जरूर प्रेस करना ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारतीय रेलवे ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सोलर पैनल प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं। इससे रेलवे को लाखों रुपये का फायदा हो रहा है और साथ ही 18% पावर की जरूरत भी पूरी हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया बढ़ती गर्मी से सब लोग परेशान हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से विजयवाड़ा स्टेशन पर एक बेहतर प्रयोग किया है। इसके जरिए रेलवे को भारी बचत होगी, साथ ही प्रदूषण मुक्त भी रहेगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ऊर्जा से लैस किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत तो होगी ही, साथ ही यात्रियों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। अभी तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर टिन शेड लगाए जाते थे, लेकिन पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसी तरह का प्रयोग दोस्तों दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी किया गया है और धीरे धीरे पूरे भारत में इसी तरह से बिजली की बचत कर सोलर पैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल मंत्री के अनुसार इस सोलर पैनल के जरिए करीब 8.1 लाख रुपए की सालाना बचत होगी, साथ ही इससे स्टेशन पर 18% पावर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना संकट के बीच रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई कर लोगों की मदद भी की है दोस्तों। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट। आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।